अब हम पढ़ें फोल्डर के बारे में। तो फोल्डर क्या होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम इसको पढ़ा था कि इट्स जस्ट लाइक अस बैग टू स्टोर अदर फोल्डर्स एंड फाइल्स, फोल्डर इज जस्ट लाइक स्कूल बैग टू स्टोर अदर फोल्डर्स एंड फाइल्स। तो ये फोल्डर क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो फोल्डर देखें, मैंने बताया दिया कि एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप दूसरे फोल्डर्स को और फाइल को स्टोर कर सकते हैं। उसका काम है कोई भी आइटम्स को फोल्डर में स्टोर आइटम्स, तो फोल्डर मुख्तलिफ आइटम्स को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो ये कैसे करेगा यहाँ पे देखते हैं। आइटम्स के मतलब क्या होता है, आइटम्स मीन्स के कोई भी फोल्डर है, कोई भी फाइल है। अब यहाँ पे फाइल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो फाइल मीन्स एन ऑब्जेक्ट विच कंटेन आर डेटा, जिसके अंदर हमारा डेटा होता है। अब डेटा इन टर्म ऑफ अगर बात करेंगे वो किस किस्म में हो सकता है, तो यहाँ पर आ गया वो टेक्स्ट फाइल हो सकती है, वो एक डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, वो एक वर्कशीट हो सकती है, वो एक इमेज हो सकता है, वो एक वीडियो हो सकती है, वो एक ऑडियो हो सकती है, वो एक पीडीएफ फाइल हो सकती है। ऐसे डिफरेंट किस्म की जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उन सब के सब जो है फाइल्स के अंदर आती है, उन सबको हम आइटम्स कह रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर किस तरह से करेंगे हम इसको के यहाँ पर आते हैं फोल्डर बना सकते हैं। तो फोल्डर कहाँ बना सकते हैं, पहली बात ये कि फोल्डर कहाँ बन सकता है, तो उसके लिए हम समझ लेते हैं फोल्डर कैन क्रिएट इनसाइड फोल्डर, फोल्डर कांट क्रिएट इनसाइड फाइल, इसी तरह फाइल कांट क्रिएट इनसाइड फाइल, फाइल कैन बी क्रिएट इनसाइड फोल्डर। तो फोल्डर बन सकता है, फोल्डर में फाइल बन सकती है, फाइल में फाइल नहीं बन सकती है, और फाइल फोल्डर भी नहीं क्रिएट कर सकते। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं हमारे जो डेस्कटॉप है ये भी एक तरह से एक फोल्डर ही है। देखो ना यहाँ पे आप जब जाओगे तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप का लिंक मिलता है, तो यहाँ से आपको पता पड़ता है कि ये आपका एक फोल्डर ही है, डॉक्यूमेंट्स ये आपका एक फोल्डर है, वीडियोज ऑडियो ये सारे के सारे आपके फोल्डर्स है। इनके तो जो फोल्डर है उन फोल्डर्स के अंदर जो है आप फोल्डर बना सकते हैं इजिली, जैसे भी चाहें आप बनाना। तो कैसे बनाएंगे फोल्डर, तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं, देखिए ऑलरेडी ये तीन फोल्डर बने हुए हैं एचपी के नाम से, एक बना हुआ एक बना एचपी के नाम से, इसको डिलीट कर देते हैं। कैसे भी फोल्डर बनाएंगे, राइट बटन दबाएंगे, न्यू में जाएंगे, अपने माउस से राइट बटन दबाएंगे, न्यू मेन्यू में जाएंगे, एक पॉपअप मेन्यू खुलेगा आपके सामने, इसके अंदर एक सब मेन्यू खुलेगा, उसके अंदर फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे लेफ्ट वाला बटन फोल्डर में एक फोल्डर क्रिएट है, ये जो फोल्डर क्रिएट हुआ है इसके तरफ से अपनी तरफ से इसका नाम रखा है न्यू फोल्डर। ये देखिए न्यू फोल्डर नाम रखें, आप इसका नाम चेंज कर दें कुछ भी रख लें, सपोज कि हमने इसका नाम रख लिया कंप्यूटर, एक फोल्डर कंप्यूटर के नाम से बन गया। एक और फोल्डर बनाना है, मैं यहाँ से राइट बटन दबाया न्यू वाला फोल्डर, यहाँ सामने यूएसबी के नाम से एक फोल्डर बना लिया। तो ये देखिए यूएसबी वाला फोल्डर यहाँ गया, कंप्यूटर वाला ना चला गया, ये यहाँ गया। अब फोल्डर्स के ये जो आइकन्स हैं वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट येलो होते हैं, अगर हमें आइकन्स को चेंज करना है तो उसका राइट बटन दबाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ से एक और विंडो खुलेगी, इसमें कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, इस कस्टमाइज के टैब पर आएंगे, कस्टमाइज टैब से जाएंगे चेंज आइकन के ऊपर, चेंज आइकन पर जाके हम उसका नाम जो भी चाहें चेंज कर सकते हैं। तो यूएसबी के लिए हम ये वाला आइकन ले लेते हैं सपोज टू बी, और ओके कर देते हैं, देन अप्लाई एंड देन ओके करेंगे तो देखिए यूएसबी का आइकन चेंज हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर आप कंप्यूटर का आइकन चेंज करना तो इस प्रोसेस को दोबारा दबा लें, प्रॉपर्टीज कस्टमाइज चेंज आइकन और कंप्यूटर के लिए ये आइकन ले लेते हैं, जो भी आइकन आपको अच्छा लगता है तो यहाँ से आप ले सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, ओके कर दें, ओके कर दें तो ये आइकन इसमें स्टार्ट हो जाएगा। इससे इसकी आइडेंटिफिकेशन चेंज होगी, लेकिन रहेगा फोल्डर ही। अच्छा फोल्डर ओपन कैसे करेंगे, दो तरीके, किसी भी फोल्डर को खोलने का राइट बटन दबाएं और ओपन कर लें उसको, तरीके खोलिए, ये फोल्डर उसी विंडोज एक्सप्लोरर में खुला है लेकिन ये अब उस फोल्डर की डेटा को दिखा रहा है। इसका नाम क्या नजर है, टाइटल बार दिख लेंगे, इसका टाइटल बार पर कंप्यूटर लिखा रहा है, एड्रेस बार पर भी देखें कंप्यूटर लिखा रहा है, एड्रेस बार पर पूरा पाथ भी दिखा रहा है कि बेसिकली ये सेव कहाँ हो रहा है, तो ये आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से आगे यहाँ पर ये फोल्डर खोल लिया हमने, अब ये दो फोल्डर बनने हैं हमारे, उस फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर है, यहाँ पे फोल्डर दिखाई दे रहा है। अब हमने क्या करना है कि फोल्डर का नाम चेंज करना है, तो अभी एक फोल्डर बनाते हैं जिसको मैंने न्यू करा, और फोल्डर पे काम नहीं करने के लिए पहले इसका नाम रख लेते हैं सपोज मेमोरी कार्ड,
मेमोरी कार्ड जिसका नाम रखे हैं, तो ऑलरेडी है मेमोरी डी के नाम से एक फोल्डर बनेगा। अच्छा ये भी एक बात पता चली हमें कि एक ही लोकेशन पे दो फोल्डर सेम स्पेलिंग सेम नाम से लिख सकते हैं। ये कह रहा है द डेस्टिनेशन ऑलरेडी कंटेन अ फोल्डर नेम मेमोरी कार्ड, इस नाम से पहले एक फोल्डर बना हुआ है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि उसको रिप्लेस कर दें या नहीं करें? मेरा नो, उसको रिप्लेस नहीं करें। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि उसमें बना हुआ मेमोरी कार्ड के नाम को फोल्डर, तो इसका नाम हम कुछ रख लेते हैं, सपोज टू बी हम इसका नाम रख लेते हैं स्मार्ट एक्सटर्नल ड्राइव करते हैं नाम एक्सटर्नल ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ मेमोरी कार्ड के नाम से फोल्डर बना हुआ है। यहाँ पर कुछ फोल्डर्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, राइट बटन दबाएंगे या ब्लैंक एरिया में, तो यहाँ पे व्यू में जाएंगे तो लार्ज आइकन करके देखने को साइकिल फोल्डर हो जाएंगे, और अगर आप किसी सिमिलर स्मॉल आइकन करके देखना चाह रहे हैं वीडियो करके तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा उसके बाद शॉर्ट गलत तरतीब दे सकते हैं बाई नेम, तो बाई नेम जैसे मैंने तरतीब दिया तो मेरे ये ए से शुरू होने वाले नाम आ गए, ये पूरा ए, फिर अब एम सेक्शन कहाँ आएगा देखते हैं इसका, ये एम आ गया, एम बी आ गया और एच बी। अच्छा अब मैं जरा एम दबा के देखता हूँ कीबोर्ड से, ये देखिए मेमोरी कार्ड के नाम से ये फोल्डर यहाँ पे सेव ऑलरेडी पहले से, इसलिए कह रहा है यहाँ दूसरा नहीं हो सकता। तो यहाँ से तरतीब चेंज भी कर सकते हैं बाय साइज, ये तरतीब चेंज कर देगा बाय आइटम टाइप, तो फिर आइटम जितने एक किस्म के होंगे उनको एक साथ ग्रुप में कर देगा और जो बाकी किस्म के होंगे एक साथ कर देगा, और दूसरे जो है जितने भी होंगे वो यहाँ पर इस तरह से नजर आ रहे होंगे। तो इस तरह आप उनकी डिफरेंट तरतीब बना सकते हैं, साइज डेट मॉडिफाइड करके देख सकते हैं, यहाँ से आपको ये डिफरेंट टाइप से बनाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ से क्लिक करके रिफ्रेश कर लें, और बाद कोई ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया वो परफॉर्म तो किया लेकिन उसका रिजल्ट हमने नहीं दिखा, वैसे इतना नहीं दिखने में आ रहा है, तो हम स्क्रीन से रिफ्रेश करके क्रिएट भी कर सकते हैं। अब किसी भी आइटम का मतलब आप आइटम में फाइल भी आ गई, सॉफ्टवेयर भी आ गया, फोल्डर भी आ गया, उसका नाम चेंज करना है तो क्या करेंगे? उसका नाम चेंज करने के लिए हम उस पर राइट बटन दबाएंगे, जैसे ये एचपी का फोल्डर उसके क्लिक किया और उस पर राइट बटन दबाया और इसको रीनेम की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, एचपी प्रिंटर ड्राइवर्स लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ से जब फिर करेंगे एंटर करेंगे कंटिन्यू करेंगे तो ये देखिए इसका नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा थोड़ा सा जगह। ठीक है, ये देखिए इसका रिफ्रेश करने पर इसका नाम चेंज हो जाएगा, तो ये इसको हम किसी भी आइटम को इसे रिलेट कर सकते हैं, डिलीट करना हो किसी भी फोल्डर को, तो जैसे ये वाला एक्सटर्नल ड्राइव का फोल्डर इसको राइट बटन दबाएंगे या किसी भी फाइल पे डिलीट करेंगे तो डिलीट होने के बाद चला जाएगा यहाँ से रिसाइकल बिन के अंदर, रिसाइकल बिन में ये रिसाइकल बिन जो इसका विंडोज का खुद का एक समझते फोल्डर है जिसपे कोई भी चीज आप डिलीट करेंगे कोई फाइल या फोल्डर रिमूव कर दें, जब इसमें आ जाएगी तो फिर आपके पास दो चॉइस है, या तो इसको कम्प्लीटली कंप्यूटर से रिमूव कर दें डिलीट करके फिर ये वापस नहीं आएगा, तो रिस्टोर करेंगे तो ये अपनी जगह पे दोबारा से पहुंच जाएगा जहाँ से आप इसको डिलीट करते हैं, कभी रिफ्रेश करके नहीं करें तो देख लें वो एक्सटर्नल ड्राइव के नाम से कॉल करते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर में कॉपी कैसे करते हैं, कोई भी आइटम जैसे ये फाइल है या ये फोल्डर है इसको मैंने यहाँ से किया राइट बटन दबा के कॉपी, तो ये कॉपी हुआ एक हमारी मेमोरी के अंदर जो हमें दिख रही है उसकी हमें खुद की मेमोरी जैसे हमारी मेमोरी होगी। अब लेकिन इसकी कॉपी चाहिए कहाँ हमें, सपोज भी हमें इस कंप्यूटर के अंदर चाहिए फोल्डर में, तो इसमें गए बोला उसको राइट बटन दबाया और यहाँ से इसको पास कर, तो ये देख सकते हैं हम यहाँ क्लियरली कि इसकी कॉपी यहाँ भी रहेगी और उसकी कॉपी यहाँ भी रहेगी, दोनों अलग अलग कॉपीज हैं, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से जब इसमें आप ओपन करके देखेंगे तो इसमें भी वही कुछ लिखा हुआ होगा और इसमें देखेंगे तो उसमें भी कुछ लिखा होगा, तो इस तरह से अपने डेटा को कॉपी कर सकते हैं। अब इसकी रियल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमने क्या किया कि ये वाली फाइल को यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके हमने यहाँ से मेमोरी कार्ड वाले फोल्डर में गए और यहाँ पे करके हमने पैसे यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फाइल्स और फोल्डर्स को लेते हैं, तो इस तरह आप अपना डेटा जो है अपने कंप्यूटर से कॉपी करके मेमोरी कार्ड में डाल सकते हैं, और सेम मिसाल के तौर पर मेमोरी कार्ड का फोल्डर हमने ओपन किया और यहाँ से हमने ये इमेज का फोल्डर कॉपी किया और कॉपी करके हमने इसका डेटा जो है उस कंप्यूटर वाले में डाल दिया पेस्ट कर दिया, तो वहाँ से इसका डेटा यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट हो गया, तो ये देखिए इस तरह का भी काम हम इस पर कर सकते हैं। अच्छा कॉपी पेस्ट में क्या होगा डुप्लीकेट हो रहा होता है, जबकि कट पेस्ट में क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से कंप्यूटर का फोल्डर खोला और इन दोनों को सिलेक्ट किया, ये देखिए जैसे मैंने माउस का बटन दबाया लेफ्ट वाला और ऐसे करके सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ये किसी एक को सिलेक्ट कर दिया उसको राइट बटन दबाया क्या किया मैंने कट, तो साइन पे कुछ भी नहीं हुआ। अब एक्शन तब होगा जब मैं पेस्ट करूंगा, तो मैंने एक्सटर्नल ड्राइव का फोल्डर खोला और उसके अंदर जाके राइट बटन दबाया और पेस्ट कर दिया, तो अब आप नोट करें कि एक्सटर्नल ड्राइव के फोल्डर में तो वो आइटम आ गए लेकिन यहाँ से वो आइटम खत्म हो गए, वहां से ये आइटम जो थे खत्म हो गए और उसके अंदर पेस्ट हो गए। ठीक
ये हो गया इसका कट पेस्ट का ऑपरेशन। कट पेस्ट में क्या होता है कि एक जगह से डेटा दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ये जैसे आपने अपने कंप्यूटर से डेटा को यहाँ से कट किया और जहाँ पे रखना था वहां जाके पेस्ट किया, तो यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगा। तो कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में सिर्फ फर्क है कि कॉपी पेस्ट से डुप्लीकेट होता है, जबकि कट पेस्ट से डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। मतलब आप अपने यूएसबी से डेटा कट करके अपने कंप्यूटर में पेस्ट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से डेटा कट करके अपने यूएसबी में पेस्ट कर सकते हैं, उससे एक जगह से डिलीट होगा और दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाएगा, जबकि कॉपी पेस्ट में वो दोनों जगह पर रहेगा, उसकी कॉपी दूसरी जगह चली जाएगी। तो ये हो गया हमारा कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट ऑपरेशन। अच्छा, आप ये तीन बटन सब में देख रहे हैं, इनको पूरे बॉक्स को कहते हैं कंट्रोल बॉक्स। इसका काम है मैक्सिमाइज, दोबारा क्लिक करने पर रिस्टोर, मिनिमाइज टेम्पररी क्लोज करने के लिए दोबारा क्लिक करके रिस्टोर, और क्लोज इसको यहाँ से क्लोज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी सर्च बॉक्स का ऑप्शन आ रहा होगा, मतलब कोई फोल्डर है आपका जिसमें काफी सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं और आप उसमें कोई फोल्डर या फाइल सर्च करना चाह रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप यहाँ सर्च करें, ये तो पूरे कंप्यूटर में सर्च करेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप सर्च कर लें ताकि वो उसी में सर्च करके बता दें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राशिद के नाम से फोल्डर या फाइल है, यहाँ पर एंटर किया तो नहीं है, इसके अंदर राशिद के नाम से कोई फाइल फोल्डर से बता दिया, अली के नाम से भी फाइल फोल्डर है तो इसलिए बताया कि इसमें कोई अली के नाम से फाइल फोल्डर नहीं है। इसी तरीके से मैंने लिखा कि इंग्लिश के नाम से कोई फाइल या फोल्डर है, तो देखिए इंग्लिश के नाम से एक फाइल होगी जो इंग्लिश सर्च कर देगा। ठीक है, विदिन अ फोल्डर अगर हमें इसमें सर्च करना है तो फिर हम उसको इस तरीके से करेंगे। सही, तो यहाँ पर ये चीज हमें समझ में आया। तो ये था फोल्डर से रिलेटेड कि किस तरह फोल्डर बनाया जाता है, कैसे डिलीट किया जाता है, कैसे रीनेम किया जाता है, कैसे कट किया जाता है। तो फोल्डर से रिलेटेड जो कमांड्स थी हमारी, तो यहाँ पर हो गई हमारी, तो फोल्डर से रिलेटेड कमांड थी, कैसे फोल्डर बनाया जा सकता है, फोल्डर को ओपन कैसे किया जा सकता है, फोल्डर को रीनेम कैसे किया जा सकता है, कॉपी कैसे किया जा सकता है, फिर उसके बाद उसके साथ कॉपी पेस्ट कैसे किया जा सकता है, कट पेस्ट कैसे किया जा सकता है, डिलीट कैसे किया जा सकता है, और उसकी प्रॉपर्टीज है, आइकन कैसे चेंज किया जा सकता है, ये सारी चीजें हमने फोल्डर से रिलेटेड देखी। और फोल्डर सिर्फ हम डेस्कटॉप पर नहीं बना सकते, बल्कि हम फोल्डर्स को डॉक्यूमेंट्स में जाके यहाँ भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये भी एक फोल्डर है, जैसे राइट बटन दबाएंगे इससे एक फोल्डर बनाया जा सकता है, और इसके अलावा एक शॉर्टकट यहाँ पे भी दिया गया है, एक फोल्डर बना सकते हैं। प्लेस ये कि किसी भी फोल्डर के अंदर जाके आप फोल्डर बना सकते हैं, दोनों मेथड से कोई भी फोल्डर है। फोल्डर का सिर्फ काम यही है फाइल्स को स्टोर करना, फोल्डर्स को स्टोर करना, ताकि आप अपने डेटा को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें। जैसे मैंने कर रखा है, तो देखिए एक्सेस की फाइल्स यहाँ पे रखी हुई है, और इसके अलावा जो है एआई फाइल्स मैंने सारी यहाँ रख रखी। अब ये अलग अलग फोल्डर्स हैं तो मुझे सर्च करने में ढूंढने में आसानी होती है। ठीक है, इसका फोल्डर